दोस्तों, मैं अभिषेक, आप बने हुए हैं भारतीय गांव सीरीज के अंतर्गत। आज आपको हम जिस गांव में लेके आए हैं, इसका नाम है मुरादाबाद। बात करें इसी ग्लोबल कनेक्टिविटी की, भारत देश के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य में गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर और जिसका मोदनगर लगता है, इसकी तहसील में जगह पड़ती है। इसकी बात करते हैं लोकल कनेक्टिविटी की, आपको मोदीनगर से अराउंड 7 से 8 किलोमीटर अंदर आना होगा तलेटा रोड से होते हुए। जस्ट गांव के दूसरी तरफ गेट है इसका भटजन पलोता का, इसके उल्टी तरफ एक गांव पड़ता है। मुरादाबाद की बात कर रहे हैं बेसिकली। हम बात करें इसके एमएलए की, वो है मिसेज मंजू सिवाच। बात करें इसके एमपी की, वो है मिस्टर सतपाल चौधरी जी। गांव जो हमने कंफर्म किया गांव के लोगों से, 400 से 500 वर्ष पुराना ये गांव है। गांव में क्या सुख सुविधाएं हैं, गांव के प्रधान कौन है, इसके आप गांव में लेके चलते हैं। एक बार आपको इसकी कनेक्टिविटी दिखा देते हैं रोड से, देख सकते हैं आप इधर से। वो स्टार्टिंग पॉइंट पर ही गांव में विकास प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे। तो बेसिकली अभी हम जिस प्लेस पे बने हुए हैं, ये जो रोड होती है यहाँ से मेराटर्ड में आती है, ये आती है आपकी मोदीनगर से होती हुई तलेटा निकल जाती है स्ट्रेट। सामने जस्ट भटजन पलोता है, वो मेरे लेफ्ट साइड में गांव पड़ता है। इसमें आपको जाना पड़ेगा अंदर इंटीरियर में 1 किलोमीटर के आसपास। आपको लेके चलते हैं गाँव में, दिखाते हैं वहाँ की सुविधाओं के बारे में, बने रहिए वीडियो हमारे साथ। तो शाहजहांपुर गाँव के लिए हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है, आपके स्टार्टिंग पॉइंट पर है। एक एक गाँव के दोनों तरफ का विकास चल रहा है यहाँ पर, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल की तरफ से योजनाएं चल रही हैं। एक तरफ हाईवे बन रहा है, एक तरफ रेलवे ट्रैक बन रहे हैं, आप देख सकते हैं मट्टी के बड़े बड़े पिलर बने हुए हैं। विकास कार्य बहुत स्पीड से चल रहा है। ये गांव का स्टार्टिंग पॉइंट है, आप देख सकते हैं। मंदिराम पब्लिक स्कूल है ये। देख सकते हैं आप थोड़ा क्लोज में व्यू, ये बेसिकली मुरादाबाद का आप एंट्री गेट बोल सकते हैं, ये एंटर पास बनेगा यहाँ पर बेसिकली। इसके ऊपर से बेसिकली रेलवे ट्रैक छा जाएगा यहाँ पर। तो हम आ गए हैं एंट्री गेट पर मुरादाबाद के, देख सकते हैं स्टार्टिंग में जो है यहाँ पर सुर बाजार नगर दुर्गम मिलेगा शुक्रवार। गाँव के स्टार्टिंग में नलकूप की व्यवस्था पानी के लिए, माध्यमिक विद्यालय स्टार्टिंग में बेंचेस की व्यवस्था बैठने के लिए आपको दिखा देते हैं। ये देखिए माध्यमिक स्कूल, कन्यापुर माध्यमिक विद्यालय। जैसे कि बने हुए हैं हम मुरादाबाद गांव के, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, हम मुरादाबाद गांव के अंदर बने हुए हैं। नलकूप की अच्छी व्यवस्था, जैसे कि ये पड़ता है आपका मोदनगर तहसील के अंदर, इसका ब्लॉक लगता है आपका भोजपुर ब्लॉक। देखिए सड़कें हैं इंटरलॉकिंग पूरी, देख सकते हैं खंभों पर पूरी केबलिंग की हुई है जो नए टाइप का। ये देख सकते हैं गांव का प्रसिद्ध मंदिर, केबलिंग की पूरी व्यवस्था, लाइटों की अच्छी व्यवस्था गांव के अंदर। देख सकते हैं गांव के अंदर का भी आरसीसी बेस सड़क, गांव का प्रसिद्ध मंदिर। तो कुल मिलाकर गांव के अंदर काफी विकास हुआ है अभी। नलकूप की व्यवस्था, सड़कें, बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। काफी छोटी छोटी सड़कें हैं, देख सकते हैं आप। घर काफी अच्छे बने हुए गांव में। देख सकते हैं कुल मिलाकर ये भी हमारी अच्छी कैटेगरी में आता है गांव की। एक और अच्छा इससे आप यहाँ के डिग्री स्टैंडर्ड का अंदाजा लगा सकते हैं। देख सकते हैं आप हाईवे बता रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर हाईवे दोनों ही जा रहे हैं गाँव के। इस
के बन जाने के बाद गांव के अंदर का विकास आ जाएगा, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो इंटरकनेक्ट करती हैं एक दूसरे से, स्टेट टू स्टेट, सेंटर टू सेंटर। तो इसी के साथ मुरादाबाद गांव की हमारी यात्रा समाप्त होती है, जो पड़ता है मोदनगर के अंदर। आप देख सकते हैं हम अंतिम छोर बने हुए हैं, ये हाईवे गांव के जस्ट पास से निकलता है, आप देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग जान सके इसके बारे में। धन्यवाद।